अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले का डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, किस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे, किस बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे। उसी के साथ हमने देखा कि किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में कहने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर, वहां पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बताना ये बगैर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बॉडी रेस्ट में होती है, वही दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बॉडी मोशन के अंदर होती है। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है, आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखते हैं तो मेरी एक आपसे राय है कि पहले आप इस कार्ड पर क्लिक कर उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ बढ़े। हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, तो चलिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, द पाथ लेंथ व्हिच इज कवरिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, द इंटरवल मे बी 5 सेकंड 10 सेकंड। We are calculating the total length of the path of the moving object in a particular interval of time and we call it as a distance. अगर कोई object move कर रहा है, तो move करते हुए वो जिस path पर जा रहा था, उस path की total length हम distance के नाम से जानते हैं। What is the meaning of distance? एक particle move कर रहा था, move करते वक्त वो जिस path पर जा रहा था, उस path की total length हम उसको distance कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि डिस्टेंस हमको समझ में आ जाए। लेट कंसीडर देयर इज अ बॉल आउट हियर, यहां पे एक बॉल है। सबसे पहले ये बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेट कंसीडर द बॉल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। नाउ द बॉल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स। ओके, एंड इन द फाइनल मूवमेंट द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मूवमेंट में पहले वो ऊपर गया, फिर राइटवर्ड गया, फिर नीचे आया, इस मूवमेंट के अंदर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इस मूवमेंट के अंदर हमारे बॉल ने कितनी पाथ, कितनी लेंथ कवर की है, या उस पाथ की कितनी लेंथ है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली डिस्टेंस निकालने के लिए 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर का एडिशन कर लेंगे। ये हुआ हमारा डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। सो यहां के केस में इस एग्जांपल के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई, डिस्टेंस विल बी 1 प्लस 1.5 प्लस 1, दैट मींस 3.5 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। डिस्टेंस क्या है, समझ आया? डिस्टेंस मींस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। हमको पाथ को देखना है और वो पाथ की टोटल लेंथ को देखना है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving object in a particular time interval, we term that value as a distance. Okay, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा important कभी-कभी सिर्फ initial और final state बन जाती है। Distance के अंदर तो हम पूरा path देख रहे हैं। What is the meaning of displacement? Displacement क्या चीज़ है? The shortest path length between initial and final point. अब देखिए, if we are discussing only the initial point and final point, and we are taking the shortest possible distance, and we know very well the shortest distance is the straight line, the distance which is covered by the straight line. If we are dealing only with the final position and initial position, agar hum sirf final aur initial position ko dekh rahe hain, and the shortest distance between these two points, that distance is termed as displacement. Okay, samajh aa gaya? Distance yani kya, डिस्टेंस यानी हमारा पार्टिकल मूव करते हुए जो पाथ कवर कर रहा था उसकी टोटल लेंथ, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो और उनके बीच का मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखो, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां से औरंगाबाद तक गया, आप इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, सीधी स्ट्रेट लाइन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिस रास्ते से आप गए थे वो रास्ता डिस्टेंस बनेगा। तो यहां के केस में डिस्टेंस कितना हुआ, हमने ऐसे अभी कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस इज 3.5। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन है
डिस्प्लेसमेंट इन दिस एग्जाम्पल विल बी 1.5। तो डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, टोटल पाथ लेंथ देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल पॉइंट देखेंगे, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज एन एंट व्हिच इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एंट मूव कर रही है, तो ये जो कंटिन्यूअस लाइन आपको नजर आ रही है ना, कंटिन्यूअस लाइन, दैट इज द डिस्टेंस। एंड जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, जो डॉटेड लाइन, वो डॉटेड लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट एंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब ऑब्वियस बात है, हम डिस्टेंस देखो या डिस्प्लेसमेंट देखो, हम एक्चुअल में लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसका यूनिट भी देखेंगे, डायमेंशन वगैरह भी देखेंगे। एक बात जहन में रखना है, डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। आप राइटवर्ड जाओ, लेफ्टवर्ड जाओ, डिस्टेंस को इससे मतलब नहीं है। डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, सो डिस्टेंस कैन बी टर्म्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। एक चैप्टर आएगा स्केलर एंड वेक्टर्स, वहां पे आपको इसको डिटेल में देखना है। स्केलर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। लाइक मैं राइटवर्ड जाऊं तो भी उतना ही, लेफ्टवर्ड जाऊं तब भी उतना ही। जैसे मेरा मास, अगर मैं राइटवर्ड जाऊं तो भी वही इफेक्ट, लेफ्टवर्ड जाऊं तब भी वही इफेक्ट। लेकिन अगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शंस। वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द डायरेक्शंस हियर। हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा पार्टिकल लेफ्ट में गया, राइट में गया, किस साइड गया। We are bothering only about the total path length, that's it. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ total path length. Total path length मिल गई, काम बन गया। तो ये important point आपको distance के लिए याद रखना है कि distance does not depend upon directions. Or you can also say that distance is a scalar quantity. What is the meaning of scalar quantity? The physical quantity which depends only upon the magnitude and it does not depend upon the direction. That physical quantities are called as scalar physical quantities. ओके और एक पॉइंट अब देखते हैं, डिस्टेंस को मेजर कैसे करें। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, हम देखा टोटल पाथ लेंथ, तो इसको हम मेजर करेंगे मीटर्स में, 5 meters, 10 meters, दैट मींस ये एक मेजरिंग का यूनिट है, आपको ये भी याद रखना है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन याद रखें, साथ ही डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ये याद रखें, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर उसका यूनिट है, इसको आपको याद रखना है। जब आप यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट कर चुके होंगे, उसमें कुछ और पॉइंट आप अपने तौर पर ऐड कर पाएंगे, अभी के लिए इतना काफी है। समझ आया ये बात? अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। We are dealing with initial position and final position. If we are calculating how the position of object is changing, how the position of object is changing or how the position vector is changing, अगर आप इन दोनों का discussion कर रहे हैं, that means you are dealing with the discussion of displacement. Displacement पे देखना क्या है? Final position देखो, initial position देखो. Final position, initial position के बीच का difference आपको displacement दे जाता है। Understand? तो ये दूसरी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। अलबत्ता ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसके अंदर आप डायरेक्शन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आप अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस में राइटवर्ड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, अगर आप राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब आप डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेंगे। डिस्टेंस के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता था, राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ, हमको सिर्फ लेंथ से मतलब है, कितना गए उतना चलिए बस। अलबत्ता यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप अगर कह रहे हैं कि डिस्टेंस 5 meters है, दैट मींस यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मैं आपको कहता हूँ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज -5 meters, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 5 meters इन नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की वजह से प्लस या माइनस साइन इंक्लूड हो रही है, आगे जाके ये वेक्टर फॉर्म में भी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीजें जो डायरेक्शन के साथ आती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं।
वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जिनके साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। सो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसलिए उसको स्केलर कहते हैं। यहां पर नंबर के साथ डायरेक्शन भी बताया जाता है इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑल्सो। अब ये बात तो आप भी बता सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने मीटर्स में उसको नापा था, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहां भी उसको मीटर्स के अंदर ही मेजर किया जाएगा। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट सेम है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम SI यूनिट कहते हैं। और भी बहुत सारे यूनिट है, सेंटीमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, अलबत्ता स्टैंडर्ड यूनिट मीटर्स है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ चुका होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताऊंगा, उनका मूवमेंट बताऊंगा, हम लोग मिलकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। रेडी? तो चलिए सबसे पहला, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट ए की पोजीशन है 3,0 और पॉइंट बी की पोजीशन है -5,0। सो ए की पोजीशन कितनी है? पॉइंट ए की पोजीशन है 3,0 और पॉइंट बी की पोजीशन है -5,0। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। रेडी? चलिए मैं यहां पे ना हमारा एक्स एक्सिस बना लेता हूं। ओके फाइन, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के साइड ओरिजिन थोड़ा सा दूर लेते हैं, ये हमारा 0,0, क्योंकि दोनों सिर्फ वाई एक्सिस में 0 ही है ना, इसकी मूवमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर होने वाले, इतनी बात तो समझ आई। ये एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। 3,0, ये 1, 2 और 3, मतलब ऑब्जेक्ट ए यहां पर होगा, पोजीशन ए, दिस विल बी 3,0, ये यहां से मूव कर रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो दिस विल बी -5,0, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी। ओके, ए से बी तक वो मूव कर रहा है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर हुई? ए पर था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट मींस 8 यूनिट्स इज द पाथ लेंथ, दैट मींस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ उसका? 8 यूनिट्स उसका डिस्टेंस हुआ। मैं यहां पर मीटर क्यों नहीं लिख रहा हूं? हो सकता है अगर हम यहां के डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं तो ये वैल्यू मीटर्स में आएगी, सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, जो होगा वो होगा। इसलिए हम यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं, जिसमें आपने मेजरमेंट किया है वो यूनिट यहाँ पर ऐड कर लो। तो डिस्टेंस की वैल्यू 8 मीटर तो आ चुकी है। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर हम नोट कर लेंगे। अब सवाल ये है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ भी क्योंकि हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, सीधे स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। लेकिन बात यह है कि हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है? द मूवमेंट इज अलोंग द नेगेटिव साइड, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू -8 यूनिट्स। -8 क्यों? 8 यूनिट तो समझ आता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 यूनिट है, और ये नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है, इसलिए -8 यूनिट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट केस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -8 यूनिट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग अ राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। तो ओके, मैं एक सर्कल बनाता हूं और वो सर्कल के ऊपर कैसा मोशन हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट कंसीडर दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच द साइक्लिस्ट इज मूविंग। लेट कंसीडर दिस इज द रेडियस and this one is the initial point, initial position A. okay, fine. cyclist point A से move कर रहा है और वो एक round complete करता है पूरा का पूरा और दोबारा यहाँ वापस आ जाता है। यही तो question में कह रहा है। question में क्या कहा? cyclist completing a round on a circular track of radius r. एक circular track है जिसका radius r है। cyclist उसके ऊपर एक round complete कर रहा है। तो सवाल ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? ओके, आपको ये वैल्यू पता होगी, जब हम सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस के साथ मूव करते हैं तो सर्कल का सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2π × रेडियस। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक मूव करूं तो एक्चुअली मैं कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि सर्कल का रेडियस r है, इसलिए हम जब यहां से यहां तक मूव होंगे तो सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके अरे यार समझ में आ रही है? के बाद मान लो क्या किया मैंने, इस सर्कल को यहां से ब्रेक करके ऐसी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां पे ये जो वायर बनेगा ना उसकी लेंथ कितनी होगी?
पूरी लेंथ होगी 2πr, ये बात तो मैथमेटिक्स के थ्रू आपको पता है। तो जब हम यहां से यहां तक मूव कर रहे होंगे तो हम एक्चुअल में 2πr का डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, एग्री। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 2πr विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, डिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। हमारा साइक्लिस्ट यहां से मूव कर रहा था, उसने एक राउंड कंप्लीट किया, दोबारा यहां पर आ गया, मतलब जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो दोनों के बीच की लेंथ तो जीरो है, यहां पे शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ तो जीरो हुई। दैट मींस इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अंडरस्टैंड। तो यहां पे डिस्टेंस तो कवर होगा, 2πr का डिस्टेंस कवर होगा, अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो ऐसा है जैसे गया ही नहीं कहीं, क्योंकि वापस घूमकर वही आ गया ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। साइक्लिस्ट रीचिंग अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर वाया सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, मान लो उसका रेडियस आर है, पहले साइक्लिस्ट पॉइंट ए पर था, तो ये हुआ डायमीटर, वो इस ये एक एंड है डायमीटर का, साइक्लिस्ट रीचिंग अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब यहां से वो यहां जा रहा है, साइक्लिस्ट रीचिंग अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर वाया सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक पर चलते हुए, मतलब पहले यहां था अब यहां पर आ गया पॉइंट बी पर, सो दिस विल बी इनिशियल पॉइंट, दिस विल बी फाइनल पॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आसान है, आप लोग बताइए कितनी होंगी। अगर वो डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वो इस पाथ पर चलते हुए यहां तक आया, ओके वो इस पाथ पर चलते हुए यहां तक आया, मतलब ये जो ब्लैक कलर का ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला मिटा देता हूं मैं, ये जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का पार्ट है, इस पार्ट की जो लेंथ होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा। अरे जब पूरे सर्कल की लेंथ 2πr थी, अब ये आधा सर्कल बन रहा है ना, तो आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, सो दैट डिस्टेंस विल बी, आधे सर्कल की लेंथ होगी पूरे सर्कल की थी 2πr, इसका हाफ कर लो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस πr विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, will be the value of distance, यहाँ पे distance cover की value होगी pi r, but what is the value of displacement, displacement देखने के लिए हम initial point और final point देखेंगे और उनके बीच की shortest length देखेंगे, agree? यहाँ से यहाँ तक का distance straight line में shortest होता है, center से यहाँ तक का distance r और center से यहाँ तक का distance r, that means displacement, displacement कितना होगा, will be equals to r plus r, that means 2r, so यहाँ पर 2r will be the value of displacement, तो इस केस में displacement की value कितनी होगी, 2r होगी। I hope आप समझ चुके होंगे, और कोई भी question आ जाए उसका distance और displacement बड़ी आसानी के साथ calculate कर पाएंगे। एक और example थोड़ी सी अच्छी है, so example कुछ इस तरह से है, अगर आपको directions आते हैं तो आपको ये example करना बहुत अच्छे से आ जाता है, तो चलिए देखते हैं what is the question given। So, question कुछ इस तरह से है, an ant, एक चोटी है, moving 4 meter in the north, ठीक है मैं direction बना देता हूं पहले, so, north, south, east and west, these are the directions, एक ant है, एक चोटी है, moving 4 meter north, मान लीजिए पहले वो यहां थी, मान लो, वो कहां गई, वो गई 4 meter north में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ताकि क्लियर नजर आने लग जाए। सो यहां पे मान लो एंड थी, वो यहां से कितना ऊपर गई, 4 मीटर ऊपर गई नॉर्थ के डायरेक्शन में, देखो नॉर्थ ऊपर है ना, तो ऊपर जाना पड़ेगा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट जिसको हम नाम देंगे पॉइंट ए, वो यहां तक गई, इसको हम नाम देंगे पॉइंट बी, ओके फाइन। उसके बाद देन 3 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट में गई है, ईस्ट में गई है मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर गई है, तो यहां से कितना गई, वो 3 मीटर ईस्ट में गई है और फाइनल पॉइंट उसका सी है, तो हमको पता करना है इस मूवमेंट में उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इजी है ना। अब देखो बात बड़ी आसान है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, टोटल पाथ लेंथ लो, काम खत्म करो, पहले वो स्ट्रेट लाइन में गई थी 4 मीटर, बाद में हॉरिजॉन्टल गई 3 मीटर, हमको फर्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल जाओ वर्टिकल जाओ कैसा भी जाओ, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ एडिशन कर लो टोटल पाथ लेंथ मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा,
इसका मतलब 4 प्लस 3 करो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. सो 4 प्लस 3 विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट डिस्टेंस हियर. डिस्टेंस कितना आ गया 4 प्लस 3 दैट मींस 7 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसका मतलब अगर मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन हमको देगी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है. अब हमको ये रेड लाइन, इस रेड लाइन की लेंथ निकालने के लिए कोशिश करना है. क्या बता सकते हैं कितनी होगी उसकी लेंथ. चलिए कोशिश करने में क्या हर्ज है. ये 90 डिग्री एंगल बनेगा करेक्ट. मतलब ये हमारा ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमारा ए बी और सी, ए बी और बी सी ये दोनों परपेंडिकुलर है और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. तो क्या मैं इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. ओके ए सी की वैल्यू हमको निकालने की कोशिश करना है. बी सी इतना डिस्टेंस कितना 3 मीटर्स सो 3 का स्क्वायर. ए बी इतना डिस्टेंस कितना 4 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर. अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूं दैट मीन्स 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर. इसका मतलब ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 दैट मीन्स 5. तो ए सी इतनी लेंथ कितनी आई 5 मीटर इसकी लेंथ आ चुकी है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर है. 5 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है सारी चीजें समझ आ चुकी होगी. अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ लो, सर्कुलर ट्रैक पे कोई मूव कर रहा है, रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर कोई मूव कर रहा है, आगे जाकर ऊपर जा रहा है, तब भी आपको हाइपोटेन्यूज लेना है. मैथमेटिक्स अप्लाई करो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो. आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी. लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल हम आपके लिए हाजिर हैं. आप डाउट हमको बताएं, हम उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. हम जल्द ही मिलते हैं इसके बाद वाले कंसेप्ट को लेकर. तब तक के लिए फिर आवाज़ लगा. थैंक यू.